हे गाइस एंड व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आने वाले जो 5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि मैं बस घर से निकल रहा हूँ मनाली के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी मुझे देखने को मिलेगा, अच्छी अच्छी सीनरी, जो भी होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा, उसको मैं एक व्लॉग में पूरे कवर करके आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई होप कि ये जो ट्रिप होने वाली है, जो जर्नी होने वाली है, ये आप भी मेरे साथ उतना ही इन्जॉय करें जितना मैं करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल 8:30 बजे हैं, हमारी जो बस है वो है 11 बजे की, जो कि हमें कश्मीरी गेट से मिलेगी। तो बस जल्दी से तैयार होके हम निकलते हैं एंड आगे का आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, साथ में मेरा भाई भी है परीक्षित, जैसे हम मुन्ना बुलाते हैं तो मोस्टली हम मुन्ना ही बुलाने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और अब दोस्त का वेट कर रहा है हयात, बस थोड़ी देर में आ रहा है। वो एक्चुअली ऑफिस से आ रहा है, सीधा मेट्रो से ही आ रहा है, तो जल्दी हमें ज्वाइन करेगा। तो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं और हमारा दोस्त भी आ चुका है हयात ही। तो यो यो, बस अब बैठ गए। 14 घंटे की, 12 घंटे की ये सफ़र है। तो गाइस अभी हम ढाबे पर रुके हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ खाना वाना खा के देन आधे घंटे का स्टॉप है, उसके बाद हम फिर अपनी जर्नी पे निकल जाएंगे। सो गाइस हमने अभी आलू परांठे करे हैं, काफ़ी भूख भी लग रही थी, तो जल्दी से काफ़ी के निकलते हैं। 30 मिनट का स्टॉप है एंड देन फिर निकल लेंगे। सो गाइस फिलहाल हम मंडी में रुके हुए हैं और यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप लिया है हमने। वेल, जिसको नहीं पता, मंडी में ही मेरा गांव भी है एग्जैक्टली। तो मैं बस अपने गांव को देखते हुए थोड़ी सी बाहर आ चुके हैं और अभी हम बस 20 मिनट के स्टॉप पे रुके हुए हैं एंड इसके बाद हम मोस्ट लाइकली 3 या 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो एक बार पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई देखो, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट हाँ सूरज भी आ गया है तो अब उतनी ठंड नहीं लग रही जितनी पहले। लेते लेते मैं सूरज को देख रहा हूँ। अरे चाय की जैसी ले रहा है। ठंड कैसी लग रही है तेरे को? हाँ स्टार्ट हो गई है, दिल्ली से तो काफी ज्यादा है यहाँ पर। तेरा फर्स्ट टाइम है हिमाचल में? हाँ फर्स्ट टाइम है हिमाचल। ये तो तेरा फर्स्ट टाइम है, आई हम तेरा ये बेस्ट टाइम बनाएंगे। हाँ मसूरी तो उत्तराखंड में है ना। हाँ फर्स्ट टाइम है हिमाचल और हम तेरा बेस्ट टाइम बनाएंगे। अब हमारे गाँव आए हो तो बेस्ट, तो बेस्ट एक्सपीरियंस तो बनता है तुम्हें देना है ना। और नहीं देगा तो पिटेगा भी तू ही ना। सो गाइस ये हयात का फर्स्ट टाइम है एंड ये इसका बेस्ट टाइम होने वाला है। अब हम इसे हिमाचल घुमाएंगे, मतलब मैं तो क्या ही घुमाऊंगा, बट मेरा एक भाई, अच्छा हाँ मेरा एक भाई भी आ रहा है जो कि हिमाचल से ही है, हिमाचल में ही रहता है अपना, और वो भी साथ हमें ज्वाइन करेगा, तो वो हमें पूरा मनाली घुमाएगा। तो उसका भी अभी वेट करेंगे, 2-3 घंटे में हमें वो मिल जाएगा। तो गाइज हम उतर चुके हैं और बहुत धूप है यार, इतनी मैंने सोची नहीं थी। देख रहे हो जैकेट में कितनी
मोटी जैकेट पहन के आया हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो बाकी देखते हैं। मैंने तो इनफैक्ट सबको बोला था, मुन्ना को, हयात को, कि मोटी मोटी जैकेट पहन के आया ना, मोटी जैकेट पहन के आया हूँ। जब हम मंडी क्रॉस करेंगे तो ठंड लगेगी, बल्कि यहाँ तो धूप है। तो बताते आगे जल्दी से अपना सामान लेकर, हमारा कैब वाला आया हुआ है, तो हमने जो होटल किया है वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ है। तो बस वो अभी वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से वहाँ बैठते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ये है हमारा विला जिसमें हम रुक रहे हैं, सो ये है थॉमस विला। तो गाइज एक्चुअली सीन ये है कि ये जो हमारा रूम है वो 12 बजे से हमारा चेक इन होगा, और हम यहाँ पे 11 बजे पहुँच चुके हैं। हमारी जो बस थी उसने ड्रॉप जो टाइम दिखाया था वो दिखाया था कि हमें ड्रॉप करेगी 12:30 बजे, बट उसने 11 बजे कर दिया, तो हम 1 घंटा पहले पहुँच गए। तो अभी हमारा रूम खाली हो चुका है, क्लीन हो रहा है, तो तब तक हम बस यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। तो एक बार जब खाली होता है मैं आपको रूम दिखाता हूँ, और उसके बाद हम आज मॉल रोड घूमेंगे, लोकल जगह आसपास की घूमेंगे, तो वो दिखाऊंगा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस ये है हमारा रूम, तो जैसा आप देख सकते हो बेड, तो ये पूरा रूम है जैसा ही आप देख सकते हो, बहुत प्यारा मिरर यहाँ पे हमें मिला जो कि बहुत बड़ा है, और अलमीरा किसी अलमीरा है, अच्छा सा बेड है जो कि अच्छी, वहाँ पे 2 सोफे लगे हुए हैं, और जो यहाँ की सबसे बेस्ट बात है व्यू, जैसे देख सकते हो वो पहाड़ी है वहाँ पे, देख रहे हो ऊपर की साइड, वो जो देख सकते हो वहाँ पे पूरी बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे, तो और ये जितने भी यहाँ पे आपको होटल दिख रहे हैं ये सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस है जितने भी हैं। एंड अब हम जल्दी से पूरा मतलब नहा धो के एक बार रेडी होते हैं, क्योंकि अभी तो भाई थके हुए हैं सारे, और लोकल घूमने भी आज हम लोकल घूमेंगे पूरा, और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मेरा भी मनाली फर्स्ट टाइम है, ऑल दोस्त आप सबको पता है हिमाचल ही हम दोनों का होम टाउन है, बट हम कभी मनाली नहीं आए, नहीं एक बार आए हैं, सिर्फ मैं आया हूँ, मुन्ना नहीं आया, बट उस टाइम भी ना ज़्यादा नहीं हम देख पाए थे, सिर्फ अटल टनल ही गए थे। तो आज हम अच्छे से घूमेंगे और हयाती को घुमाएंगे, फर्स्ट टाइम हिमाचल आया है, तो तेरे को हिमाचल कैसा लग रहा है अभी तक? अभी तक तो बोल दे बढ़िया लग रहा है मेरे को, मैं बढ़िया है, मैंने अभी तक पहाड़ देखे हैं तो अभी अच्छा है, पहाड़ में बर्फ, मेरे को बर्फ, अच्छा हयात ने कभी बर्फ नहीं देखी है ना? स्नोफॉल देखी थी लद्दाख में लास्ट टाइम, मैंने ना स्नोफॉल देखी है, लद्दाख में भी कम सी थी वो, हल्की बहुत हल्की थी वो, और वहाँ उतना बर्फ भी नहीं था, मेरे को बर्फ चाहिए जो जिसमें हमारा पैर घुस जाए भाई, तू पूरा घुस जाएगा तेरे को अटल टनल लेके जाएंगे, रोहतांग पास तो बंद है अभी, और मुन्ना को भी लेकर जाएंगे, तो हिमाचल का प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे सारे दोस्तों को लेकर आएंगे, सबको बताएंगे हिमाचल सबसे बेस्ट है, यस लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, हे भूमिया यार बेस्ट हो गए, तो अपने होम टाउन का प्रमोशन। तो गाइस अब हम जल्दी रेडी हो रहे हैं, 1 2 3, सो गाइस फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं, और अब हम जा रहे वाले हैं मॉल रोड घूमने। अभी इतनी ठंड नहीं है तो हमने नॉर्मल पहना है, एक जैकेट मैं साथ में ले लूंगा, मैं भी ले लूंगा, तो हाँ तुम दोनों जैकेट ले लेना, अभी ठंडी है लेकिन बाद में लगेगी, पहाड़ों में रात को काफी ठंड होती है। हाँ भाई हम आज लकी है, एक्चुअली कल हम देख के आए थे, कल था -5 डिग्री इस टाइम पे, और अभी यहाँ पे है 21 डिग्री, तो सही है आज एक्चुअली काफी, मतलब ये वाला मौसम मुझे अच्छा लगता है, ठंड भी होती है लेकिन धूप भी होती है, कि तुम्हें ठंडी भी लग रही है लेकिन अगर तुम्हें मतलब बहुत ठंड लग रही है, धूप धूप वाली जगह खड़े हो जाओ तुम्हें धूप पड़ रही है, ऐसे बढ़िया लगता है। फिलहाल मैं बर्फ देखने आया तो गाइस मेरे को बर्फ से फर्क पड़ता है, ठंड होना बर्फ होनी चाहिए, बर्फ हम कल जाने वाले हैं, अटल टनल जाएंगे भाई, पूरा सिस्सू घूमेंगे मस्त, तो कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आज तो हम लोकल लोकल एरिया घूम के तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है, और मैंने माइक भी लिया है वो भी लगाऊंगा, अभी तक अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी तो बस अभी माइक लगा के फिर सब अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, चलते हैं जल्दी, फिर मैं इसके पास आके बोलूंगा, चलते हैं जल्दी गाइस। सो गाइज अब हम जा रहे हैं मॉल रोड एक्सप्लोर करने, और काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया मैंने, लाइक जब से हम बस में बैठे रात से तब से ही कुछ नहीं खाया, बस एक पराठा खाया था, दैट्स इट, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो हम सब जा रहे हैं मॉल रोड में एक्सप्लोर भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्पेशल है, लाफिन हो गया और क्या बोलते हैं उसको, सिड्डू हो गया, तो वो सब भी खाएंगे, ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कैसा है। बाय द वे हमारी आउटफिट आज की मैं कोई फैशन ब्लॉगर तो नहीं हूँ बट ठीक है,
और जैकेट अभी है, वो मेरा छोटा भाई काना, अच्छा हमने हमारे छोटे भाई से नहीं मिला, ये हमारा काना भाई है जो यहाँ का लोकल ही है, जिसका घर हिमाचल में ही है, मतलब ऑब्वियसली मेरा भाई है तो हिमाचल में ही होगा। तो चलो चलते हैं और आगे आगे जो जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जहाँ भी देखोगे ना, आगे पीछे हर जगह गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस है, इधर देखो उधर देखो, ये रहा हर जगह, हर जगह। इनफैक्ट वो जो वो ऊपर दिख रहा है आपको, वो सब गेस्ट हाउस है यहाँ पर। अब यहाँ पे धूप जा चुकी है और अब थोड़ा सा ठंडा माहौल हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और टैक्सी वाले भी हमसे भैया पूछ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जाना अभी क्योंकि हमें मॉल रोड जाना है सिर्फ। और जो सामने मेरा व्यू है ना गाइस, मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी जगह में हूँ मैं, मतलब मैं दोनों साइड दिखाता हूँ ठीक है, जो व्यू आ रहा है एक सामने और एक साइड में, फिर आप मुझे बताओ कि इससे अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है। सो गाइस ये है मेरे सामने का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है यार। और ये जो राइट साइड में है, यहाँ व्यास नदी है, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ठीक है। गाइस ये है राइट साइड का व्यू, ये व्यास नदी है, आप आवाज़ सुन सकते हो कैसी आ रही है, कैसा लग रहा है यार। मस्त भाई, वहाँ जाना मेरे को भाई। और पता है जब यहाँ पे मनाली में बाढ़ आई थी ना, तेरे को पता है पूरी भर चुकी थी वो वहाँ तक, ये तो अभी बस 20 से जा रही है, वहाँ तक भर चुकी थी यहाँ से ले पूरा, सोच। तो उसकी अलग कहानी है गाइस, बहुत तबाही हुई थी, बट आई एम ग्लैड कि अब सब कुछ एकदम पहले जैसा तो नहीं है, बट सही हो रहा है एंड हो जाएगा जल्दी। सो गाइस ये है व्यू यहाँ पे, अब मुझे बताओ इससे अच्छा व्यू कहाँ मिलेगा, कहीं मिल सकता है। व्यास नदी, पहाड़ और रहने के लिए गेस्ट हाउस, तो जगह तो बहुत अच्छी। कैसे लग रहा है तेरे को आती यहाँ पे भाई, देख रहा है, देख सामने पहाड़, बगल में नदी इतनी बढ़िया सी, और ये चाहिए बादल और स्नोफॉल हो जाए तो आई है, जो कि कल हो सकती है, कल सिस्सू में शायद हमें स्नोफॉल देखने को मिले, और नहीं भी मिलेगी तो भी सही है यार, वहाँ तो जाना है गाइस, वो देख रहे हो कितनी सही जगह है यार। और अब ठंडी हवा आने लग गई, अब धूप थोड़ी कम हो रही है, सूरज जी छुप गए हैं और अब लग रही है ठंड। नहीं मैं भी लाया हूँ, मेरी जैकेट खाना ने पकड़ी है, मेरे छोटे भाई ने, बेचारा आने ही नहीं चाहता, इतना कैमरा शाय इंसान है, छोटी अपने जैकेट पकड़वा दिया दूसरों को, छोटे भाई का फर्ज होता है, बड़े भाई का भी फर्ज होता है, बड़े भाई का फर्ज मैं पूरा नहीं कर रहा, बोल दे क्या पूरा कर रहा है तो? ले हद हो गई, मैं अपने छोटे भाइयों को घुमा रहा हूँ यार, प्यारे से बच्चों को, अरे तो काम करवा रहा है तो खुद भी तो लेके चल, हर किसी का एक एक फर्ज होता है, सबको निभाना पड़ता है। तो वो अलग बात है, लेकिन अब हम तुम्हें मॉल रोड दिखाते हैं, जहाँ मैं वहाँ से 3 किलोमीटर आगे पैदल चलोगे तो मॉल रोड आएगा, हम पे ऑप्शन था पीछे से ही ऑटो कर देते, पीछे से ही ऑटो कर लो या तो फिर पैदल मॉल रोड तक जाओ, हमने सोचा पैदल चलते हैं क्योंकि तभी तो एक्सप्लोर होगा, यहाँ पर आकर भी ऑटो में ही घूमोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने आज स्कूटी वूटी कुछ नहीं ली, ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए, हाँ, और इसलिए हमने ले लेते हम एग्जैक्टली, इसलिए स्कूटी वूटी भी नहीं ली, चल कर ही खुद ही एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे जो भी आता है। तो गाइस अब हमने एक्चुअली में मनाली एंटर करा है, इससे पहले हम सिमसा में थे, जो हमें मनाली लग रहा था, साइड हो जा, जो हमें मनाली लग रहा था, बट एक्चुअली में मनाली ये है जो अभी मैंने दिखाया ना गेट, इसको एंटर करके हम अब मनाली में आ चुके हैं। सो मनाली में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मोंटे कार्लो से लेके कैफे लॉन्च
से लेके नॉर्मली गिफ्ट शॉप्स, कपड़ों की शॉप्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैंगलोर भी है। यू विल गेट एवरीथिंग हियर, इजंट इट कूल? कीप मनाली क्लीन पर। हाँ भाई ये देख लो, ये मेन चीज है, कीप मनाली क्लीन एंड ग्रीन। समझा तू? मैं तो समझ गया, तू समझ? तो मैंने थोड़ा ना कुछ किया भाई, क्लीन एंड ग्रीन। अभी हम खाने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, कैफ़े ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। एक बार पूरा खा लेंगे तो फिर उसके बाद पूरा अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करेंगे, पहले खाना खाते हैं। सो गाइज अब हम ट्राई कर रहे हैं लाफिन। अभी हमने सिड्डू किया था, सिड्डू क्या रहा होगा, सिड्डू, और अब हम लाफिन कर रहे हैं। सिड्डू टेस्टी था, लाफिन कैसा है जल्दी बता। सही है, मजनू के टेलर से अच्छा है यहाँ पे, तो अब आइडिया लगा के देख सकते हो। बट हकीकत यह है कि मुझे लाफिन अच्छा नहीं लगता, मैं तो बस कॉन्टेंट के लिए ले रहा हूँ। सो गाइज ये दुर्गा माता जी का मंदिर है, मॉल रोड के बीच में ही है, एंड बहुत प्यारा मंदिर है, आप देख सकते हो खुद ही, हर चीज़ इसमें लकड़ी से बनी गई है, एंड वाओ। फाइनली खा पी के हमारा हो गया, मॉल रोड हम पूरा घूम चुके हैं, सब दिखाई दिया था जो भी था। तो अब हम आए हिडिंबा टेंपल, एंड हिडिंबा माता जी के अब यहाँ तक आया तो दर्शन तो करके जाएंगे, तो दिखाते हैं आपको टेंपल भी। एंड जस्ट मॉल रोड से ऊपर साइड आओगे आप तो आपको मिल जाएगा, 2 किलोमीटर ऊपर आना पड़ता है। बैठो भैया जी, आ जाओ यहाँ पे, फोटो खींचो, आओ, 50 रुपीज ये ज़्यादा नहीं है। सो गाइस देख सकते हो आप, हम आ चुके हैं हिडिंबा टेंपल, और वो रहा टेंपल जो हम आपको अभी सामने से दिखाएंगे। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं और फिर दर्शन भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इतनी ठंड में गरम भुट्टे खाने का मज़ा ही अलग है, गरम भुट्टा और गरम चाय, आय हाय। चाय तो मैं मिस कर नहीं सकता, अभी भी मैंने आते वक्त पी थी और अब जाते वक्त फिर पीऊँगा। सो गाइस ये है नाइट लाइफ, ये है माल रोड, रात को ऐसा दिखता है, कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो, वाओ। हम वापस आ चुके हैं हमारे होटल में और काफ़ी सुंदर लग रहा है ना रात को। सो आई गेस आज का व्लॉग यहीं पर था, हम मॉल रोड घूमे, हमने टेंपल देखा, इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो कल हमारा नया प्लान है, कल नया व्लॉग बनेगा। आई होप कि आपको ये सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगे, एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।